सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मटेरियल सक्सेस यानी कि भौतिक कामयाबी, बाहर की कामयाबी, आपका गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब जो कामयाबी है, ये असली कामयाबी का एक पार्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या बुरा है, ये भी अच्छा है, ये भी अपनी जगह ये अलग चीज है, लेकिन ये कामयाबी का पार्ट है। दिस इज नॉट द एक्चुअल कामयाबी। ये कामयाबी सिर्फ इससे नहीं नापी जा सकती। इनफैक्ट अगर कोई सिर्फ मटेरियली कामयाब है, सिर्फ बाहर की दुनिया से, बाहरी तरह से कामयाब है, अंदर से कामयाब नहीं है, पूरी तरह कामयाब नहीं है, तो ये एक फॉर्मूला है श्योर शॉट डिजास्टर का, यानी कि बिल्कुल बर्बादी का ये पक्का रास्ता है। असली कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमें अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाना होगा। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और कैसे ये हमारे अंदर घुसती है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं अपने अंदर से, या फिर बचा सकते हैं अपने आप को नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर आने से, यही छोटा सा वीडियो है इसके बारे में। नेगेटिव एनर्जी वो है जो हमारे माइंड, बॉडी या कॉन्शियसनेस को नुकसान पहुंचाए। पर्सनैलिटी जो हमारी होती है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा। पर्सनैलिटी हमारी जो होती है उसको हम ब्रॉडली तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, माइंड, बॉडी, कॉन्शियसनेस, यानी कि शरीर, मन और हमारी चेतना। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसको अगर कोई चीज हार्म करती है, कोई चीज इसको नुकसान पहुंचाती है, तो वो है एक नेगेटिव एनर्जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई चीज हमें दुख दे रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी है, जरूरी नहीं है। हो सकता है जैसे मान लीजिए हम दवाई खा रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो पॉजिटिव है क्योंकि हमें ठीक कर रही है। एक्सरसाइज कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। जंक फूड खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, तो वो चाहे वो लग रहा है कि वो नेगेटिव नहीं है, चाहे वो लग रहा है कि हमें हार्म नहीं कर रहा, हमें दुख नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग हम जान नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते कि क्या चीज नेगेटिव है, क्या चीज पॉजिटिव है। लेकिन हर चीज जो हम देखते हैं, हर चीज जो हम सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, हर चीज में एनर्जी होती है। हमारे सोच में भी एक एनर्जी होती है। तो ये जो जो भी चीज हम इनपुट ले रहे हैं बाहर से, उन सब चीजों में नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हमारा मकसद ये रहता है, ये रहना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही एक्सेप्ट करें। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, मैं ये नहीं कह रहा वेजिटेरियन बन जाओ, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते ना, वैसे ही अगर आप ये डिसाइड कर ले कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को ही एंटरटेन करना है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें ही इनपुट लेंगे, वही सोचेंगे, वही खाएंगे, उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे। इसका इजी सॉल्यूशन यह है, क्योंकि हम पहचान नहीं सकते क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, इजी सॉल्यूशन यह है कि अपने दिमाग के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये जो बेकार की जो न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी जो न्यूज़ होती है ना, अल्टीमेटली वो पूरे दिन में न्यूज़ एक या दो मिनट की होती है बस, उसके बाद तो जो घंटों जो न्यूज़ चैनल पे आता है वो न्यूज़ नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिविटी है। तो वो न्यूज़ देखना, बार बार बहुत सारे वीडियोस देखना और गॉसिप्स, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए और अच्छी किताबें पढ़ना सीखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना शुरू कीजिए, तो माइंड जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, तो इससे माइंड को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी को हम दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बॉडी, बॉडी के लिए हेल्दी खाएं, अनहेल्दी खाना ना खाएं, एक्सरसाइज करें। और तीसरी चीज़ है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा सोचना बंद करना होगा, नेगेटिव सोचना बंद करना होगा, कॉन्शियस थिंकिंग शुरू करनी पड़ेगी। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप दुनिया के सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो आप जो देख रहे हैं, सब कुछ जो सोच रहे हैं, उसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में हर चीज को तोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हर चीज जो हम देख रहे हैं उसके पीछे, उसके अंदर, उसमें छुपी हुई है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, और वही अल्टीमेटली वही ट्रू सक्सेस है।
मन, शरीर और चेतना जब बैलेंस होते हैं वही ट्रू सक्सेस है। आई विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पे और वीडियोस देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।